Hello dear students, myself Sivangi Singh, I am from BBD ITM Lucknow. Here we will deal with uh, the subject fluid mechanics in which we will discuss about unit 3. These are content of this lecture. First we will discuss about uh, source flow, then sink flow, then doublet, then TEL and HGL, total energy line and hydraulic gradient line and the numericals of uh, unit 3 Which is fluid dynamics, fluid dynamics कि हम लोग numericals deal करेंगे। First, what is source flow? Source flow ऐसा flow होता है जिसमें किसी एक particular point से radially outward direction में जो fluid है हमारा flow करता है, ठीक है? और जो point जिससे fluid radial आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली फ्लो करता है उस पॉइंट को हम लोग सोर्स बोलते हैं द सोर्स फ्लो इज द फ्लो कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूविंग आउट रेडियली इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ अ प्लेन एट यूनिफॉर्म रेट इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो ये एक पॉइंट है इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट ले लेते हैं इस ओ पॉइंट से जब आप देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा लिक्विड है इस पॉइंट से हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म रेट से फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट ओ को हम लोग बोलते हैं सोर्स फिगर शोज अ सोर्स फ्लो इन विच द पॉइंट ओ इज द सोर्स फ्रॉम विच द फ्लूड मूव्स रेडियली आउटवर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम रेट per unit depth, the unit of strength of source is meter square per second, it is represented by small q. Let ur is equals to radial velocity of flow at a radius r from the source o, q is equals to volume flow rate per unit depth, r is equals to radius. डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि एक लिक्विड ड्रॉप कर रहा है आपके किसी भी कंटेनर में जो भी लिक्विड भरा हुआ हो या फिर कहीं रिवर हो उसमें अगर कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप कर कर रहे हैं तो इस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली क्या हो रहे हैं लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो इस पॉइंट जहाँ पे ये लिक्विड ड्रॉप हमने किया इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सोर्स ओके द वेलोसिटी यू आर एट एनी रेडियस आर गिवन बाय यू आर इज टू होगा क्यू अपॉन टू पाई आर यहां पे आप देखेंगे जब रेडियस हमारा इंक्रीज करता है आर जब इंक्रीज करेगा तो रेडियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी डिक्रीज करेगी बिकॉज U r इज इक्वस टू है Q अपॉन टू pi r r के इंक्रीज करने पर जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी बिकॉज U r एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के टर्म्स में भी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं तो साई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q इंटू थीटा डिवाइडेड बाई टू पाई एंड फाइव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू इन टू लॉग बेस ई आर डिवाइडेड बाई टू पाई साइज इज टू क्यू बाई टू पाई इंटू थीटा एंड फाइव इज इक्व टू क्यू बाई टू पाई लॉग बेस ई आर स्ट्रीम फंक्शन के केस में ये जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन है वो थीटा पे डिपेंड करता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन किस पे डिपेंड करता है आर यानी कि रेडियस पे डिपेंड करता है व्हाट इज सिंक फ्लो सिंक फ्लो इज जस्ट अपोजिट ऑफ सोर्स फ्लो सोर्स फ्लो में क्या होता है कि एक पॉइंट है जिससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड क्या करता है यूनिफॉर्म रेट से फ्लो करता है ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में तो जिस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सोर्स लेकिन सिंक के केस में क्या होता है लिक्विड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से एक पॉइंट पे लिक्विड आया यहाँ पे मीट करता है और जिस पॉइंट पे ये लिक्विड सारे मीट करते हैं या फिर फ्लूड मीट करते हैं जिस पॉइंट पे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंक यानी कि सिंक जस्ट क्या है अपोजिट ऑफ सोर्स फ्लो द सिंक फ्लो इज द यूनिफॉर्म फ्लो इन विच फ्लूड मूव रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स अ पॉइंट वेयर इट डिसअपियर्स एट अ कांस्टेंट रेट दिस फ्लो इज जस्ट अपोजिट टू द सोर्स फ्लो this point is very important that sink flow is just opposite of source flow figure shows a sink flow this figure flow in which the fluid moves radially inward towards point o where it disappears at constant rate the pattern of streamlines and equipotential lines of sink flow is the same as that of source flow

तो सोर्स फ्लो में आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो हमारा फ्लूड है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सोर्स सिंक फ्लो में क्या होता है कई सारे पॉइंट से लिक्विड आके किसी एक पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट्स पे सारे लिक्विड uh, या फिर फ्लूड आके मीट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंक वॉट इज़ डबलेट? डबलेट उसे कहते हैं जब हम किसी सोर्स को और सिंक को बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखते हैं ठीक है कोई सोर्स का फ्लो हो रहा है और कोई सिंक फ्लो हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे हैं तो जो उनके लाइंस हैं वो क्या होंगी एक दूसरे से मीट कर रही होंगी यानी कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा हमें दिख रहा होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं डबलेट अ डबलेट कैन बी थॉट ऑफ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ कैप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस अ पार्ट दस द स्ट्रीम लाइन्स कैन बी सीन टू स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट हम लोगों ने सोर्स को और सिंक को बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखते हैं ठीक है जिससे जो स्ट्रीम लाइन्स हैं ठीक है वो क्या होती हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट जो होता है वो सेम हमें दिखता है लेकिन डबलेट के केस में ऐसा होना चाहिए कि जो सोर्स है और सिंक है वो सेम स्ट्रेंथ का होना चाहिए और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे होना चाहिए नेक्स्ट हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं डिटरमाइन दिटी ऑफ फ्लो एट रेडियाई ऑफ जीरोल्व मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहां पर हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है एंड डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यूज दे रखी है हमसे यू आर की वैल्यू पूछ रहे हैं ठीक है जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जितने भी गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे देन हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन हैं ठीक है तो हमने क्यू की वैल्यू लिख ली ट्वेल्व मीटर स्क्वायर पर सेकेंड द रेडियल विलॉस यू आर एट एनी रेडियस आर इज गिवेन फ्रॉम द इक्वेशन यू आर इज इक्वस्ट टू क्यू अपॉन टू पाई आर इसमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यूज़ दे रखी हैं एंड क्यू की वैल्यू जो कि कॉन्स्टेंट होती है सबके लिए वो दे रखी है आर की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट टू पे ज़ीरो पॉइंट फोर मीटर आर इज इक्व टू जीरो पॉइंट एट मीटर पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी रेडियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओके तो यू आर इज़ इक्व टू जब हम 0.2 पॉइंट टू वैल्यू पुट करेंगे आर की तो हमें मिलेगा 9.55 मीटर पर सेकेंड यू आर इज इक्वस टू मिलेगा हमें 4.77 मीटर पर सेकेंड इन केस ऑफ 0.4 मीटर रेडियस यू आर इज इक्वस टू टू मीटर पर सेकेंड इन केस ऑफ आर इज इक्वस टू जीरो मीटर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी यू आर की वैल्यू क्या हो रही है हमें डिक्रीज होते हुए दिख रही है यानी कि यू आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर ओके नेक्स्ट व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन इन केस ऑफ पाइप फ्लो केस ऑफ पाइप फ्लो वी सी दैट वी हैव टू लाइंस। फर्स्ट वन इज H जी एल एंड टी ई एल एच जी एल क्या होता है सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है सम ऑफ प्रेशर हेड डेटम हेड एंड काइनेटिक हैड प्रेशर हेड क्या होता है हमारे पास पी अपॉन रोजी डेटम हेड को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड काइनेटिक हेड को हम लोग वी स्क्वायर अपॉन टू जी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमने बर्नॉलीज इक्वेशन में डिराइव कर चुके हैं ओके okay? इस पर्टिकुलर पाइप में यह हमारी यहाँ पे कोई पाइप है जो कि डेटम से एक इंक्लाइंड शेप में रखी हुई है ठीक है तो जो हमारा सेक्शन वन है वो डेटम से मान लीजिए जेड वन डिस्टेंस पे है जो सेक्शन टू है डेटम सी जेड टू डिस्टेंस पे है तो इस पाइप में जहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ओके okay, जहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और टोटल एनर्जी की वैल्यूज़ को एक पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे और तब सारे पॉइंट को जहाँ मीट करेंगे एक दूसरे से तो जो लाइन हमें मिलती है उस लाइन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या फिर टोटल एनर्जी लाइन ठीक है तो इस पाइप से इस पाइप के सेंटर से हमने डेटम की वैल्यू देखी तो यहाँ पे हमें Z1 मिली सेम यहाँ पे कुछ मिलेगी यहाँ इन सारे पॉइंट्स पे सब की वैल्यू जो डेटम की होगी वो अलग अलग होगी ठीक है फिर यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, जैसे कि इस पॉइंट पे हमने निकाला तो हमें क्या मिली जो प्रेशर हेड की वैल्यू है वो P1 वन अपॉन गामा आप इस लिख सकते हैं गामा इसको टू क्या होगा रोजी ठीक है P2 टू अपॉन गामा गामा की वैल्यू क्या होगी रोजी तो हर पॉइंट पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू देखी प्रेशर हेड और डेटम हेड की जहाँ हमने इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मीट करवाया ठीक है तो जो हमें लाइन मिलेगी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन टोटल एनर्जी लाइन क्या होगी जब हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यानी कि प्रेशर हेड और डेटम हेड में जब हम काइनेटिक हेड भी ऐड कर देंगे ठीक है यानी कि काइनेटिक हेड क्या होता है वी स्क्वायर बाई टू जी तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे वी स्क्वायर बाई टू जी की वैल्यू निकालेंगे ठीक है जब हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वी स्क्वायर की भी वैल्यू निकाली ठीक है इन तीनों को ऐड किया तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए कुछ डिफरेंट मिलेगा इस पॉइंट के लिए कुछ डिफरेंट इसके लिए कुछ डिफरेंट यहाँ पे कुछ डिफरेंट यहाँ कुछ डिफरेंट यहाँ, यहाँ कुछ जब इन सब पॉइंट को हम लोगों ने एक दूसरे से मीट करवाया जब वो लाइन हमने ड्रॉ करी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या टोटल एनर्जी लाइन ये आपके यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इट इज़ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड Of a flowing fluid in a pipe with respect to some reference line, or it is the line which is obtained by joining the top of all vertic vertical ordinates showing the pressure head P by rho g of a flowing fluid in pipe from the center of the pipe, it is written as P by rho g plus Z. This is आवर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ओके टोटल एनर्जी लाइन में हम लोग क्या करेंगे प्रेशर हेड डेटम हेड एंड कैनेटिक हेड तीनों को ऐड करेंगे यानी कि हमेशा हमारी टोटल एनर्जी लाइन की वैल्यू जो होगी जो टोटल एनर्जी लाइन होगी वो लाई करेगी अबव हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एक केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पे ही टोटल एनर्जी लाइन लाई कर सकती है जहां हम वेलोसिटी की वैल्यू को क्या कर देंगे कांस्टेंट कर देंगे मतलब कि जीरो कर देंगे ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगी जो हमारी टोटल एनर्जी लाइन है वो क्या होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पे ही लाए करेगी वरना हर केस में टोटल एनर्जी लाइन की वैल्यू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की वैल्यू से ज्यादा मिलेगी ओके नेक्स्ट यहां पे हम लोग कुछ यूनिट थ्री के जो कि फ्लूड डायनेमिक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट नुमैरिकल जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नुमैरिकल जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं लेकिन डिफरेंट नुमेरिकल जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग डील कर लेंगे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौली इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन से बहुत सारे नुमैरिकल पूछे जाते हैं जो वेंचुरी मीटर है वो क्या है बर्नौलीज इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है उस पर यहाँ पर हमने एक नुमेरिकल को रखा है क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप 30 सेंटीमीटर डाया प्लेस्ड इन एन इंक्लाइन पोजिशन अ आंच्युरी मीटर इज इंसर्टेड हैविंग अ थ्रोट डायमीटर 15 सेंटीमीटर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन मेन एंड थ्रोट इज मेजर्ड बाय अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जीरो इन एन इन्वर्टेड ट्यूब विच गिवस अ रीडिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर द लॉस ऑफ हेड बिटवीन मेन एंड थ्रोट इज 0.2 पॉइंट टू टाइम्स द कैनेटिकड ऑफ द पाइप ओके यहाँ पर ये आपको डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम से कुछ वैल्यूज़ आपको मिलेंगी और बाकी वैल्यूज़ आप लोगों को नुमेरिकल में क्वेश्चन में गिवन है ठीक है जो जो वैल्यू आपको नुमैरिकल में गिवन है सबसे पहले आप उनको नोट डाउन कर लेंगे जो वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा उसको हम लोग लिख लेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हमें इनलेट का डाया दे रखा है अगर हमें हमारे पास इनलेट का डाया है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ए तो वन की वैल्यू आ जाएगी जीरो सेवन जीरो सिक्स पॉइंट एट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर डायमीटर ऑफ थ्रोट दे रखा है यानी कि हम एरिया ऑफ थ्रोट निकाल सकते हैं ए टू की वैल्यू आ जाएगी वन सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपको नोमरिकल में दे रखा है कि इंक्लाइंट यूट्यूब मैनोमीटर है तो उसमें वैल्यू हमें दे रखी है रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है थर्टी सेंटीमीटर ठीक है यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है पर हमें हेल्प किसकी चाहिए h की वैल्यू की चाहिए तो हम x की वैल्यू की हेल्प से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड h इज गिवन बाय आप लोगों को डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड आप लोग h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज नहीं गिवन है तो हम लोग फॉर्मुला लगाएंगे एच इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एस वन अपॉन एस नॉट ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स एस नॉट की वैल्यू दे रखी है वन यहां से हम एच की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो एच की वैल्यू आ रही है ट्वेल्व सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओके लॉस ऑफ हेड दे रखा है यानी कि यहाँ पे रियल फ्लूड की बात करी गई है अगर आपके नुमैरिकल में लॉस ऑफ हेड दे रखा है तो आपसे आप समझ जाइएगा कि वहां पे आप लोगों को बर्नॉलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूड का यूज करना है ठीक है लॉस ऑफ हेड एच की वैल्यू दे रखी रखिए जीरो पॉइंट टू द पाइप कानेटिकता है वी स्क्वायर बाई टू जी होता है ठीक है तो जीरो पॉइंट टू इंटू वी वन स्क्वायर बाई टू जी हमने वैल्यू रख दी है जिससे कि हमें एच की वैल्यू निकालनी है अब हमने दोनों सेक्शन पे यानी कि थ्रोट के सेक्शन पे और इनलेट के सेक्शन पे हम लोगों ने बर्नॉलीज इक्वेशन को लगा दिया ठीक जब यहां से हमने बर्नॉलीज इक्वेशन को लगाया तो हमें v1 और v2 के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी ठीक है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन हम लग, लगाएंगे क्या होता है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ए क्यू इज इक्व टू ए वन वी वन इज इक्व टू ए टू वी टू इन दोनों सेक्शन पे क्या लगाएंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ओके तो एक ही फॉर्म में जैसे कि वी वन को हम लोगों ने v2 के ही फॉर्म में लिख लिया v1 वन इजक्वस टू क्या आ रहा है v2 टू बाई फोर सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी वन इन दबन जहां से हमने क्या निकाल लिया v2 की वैल्यू v2 टू इज इक्व टू वन सेंटीमीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी किसी से भी आप निकाल लीजिए ए वन वी वन इज टू ए टू वी टू में ठीक है तो ए टू वी टू से हमने डिस्चार्ज की वैल्यू निकाली तो हमारे पास डिस्चार्ज कितना आ गया ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट लीटर्स पर सेकेंड ओके नेक्स्ट हमारे पास नोमरिकल है डिस्चार्ज जहां हम फाइंड आउट करते हैं नॉच या वियर से विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिट थ्री यहाँ पे आप लोगों को पता है कि नॉच ऑफ वियर कितने टाइप के होते हैं रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर ट्रेपेजल एंड स्टेब तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा नुमेरिकल लिया है जिसमें आप लोगों को रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर दोनों का मिक्सअप फॉर्म में आप दोनों के फॉर्मले यूज करके ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay? नुमेरिकल क्या दे रखा है वाटर फ्लोज ओवर अ रेक्टेंगुलर वियर वन मीटर वाइड एट अ डेप्थ ऑफ वन फिफ्टी एम एम एंड आफ्टरवर्ड पासिस थ्रू अ ट्रांगुलर राइट एंगल वियर यानी कि पहले वाटर रेक्टेंगुलर वियर से पास हो रहा है आफ्टर दैट वही जो वाटर है वो किससे पास हो रहे हैं ट्रायंगुलर वियर से ओके टेकिंग सी डी वैल्यू यानी कि रैक्टेंगुलर के लिए और ट्राइंगुलर uh, के लिए सी डी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है जीरो पॉइंट सिक्स टू एंड जीरो पॉइंट फाइव नाइन फाइंड द डेप्थ ओवर द ट्रायंगुलर वियर यानी कि जो ट्रायंगुलर वियर में डेप्थ है उसको हम लोगों को वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है यहां से ये रैक्टेंगुलर वियर है पहले वाटर किससे पास हुआ रेक्टेंगुलर वियर से आफ्टर दैट जो यहाँ से लिक्विड हमारा आया वो किससे पास हो रहा है ट्रायंगुलर वियर से इसकी सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है यानी कि एच की वैल्यू हेड ऑफ वाटर की वैल्यू दे रखी है ठीक है और रेक्टेंगुलर वियर कितना वाइड है वो दे रखा है यानी कि हम इजीली जो वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज है क्यू की वैल्यू वो रेक्टेंगुलर वियर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं और जो डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर वियर से पास होगा वही हमारा ट्राइंगर वियर से भी पास होगा ओके okay? तो हमने जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को रख लिया ठीक है सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर वियर का फॉर्मूला लगा दिया जो कि क्यू इज इक्व टू टू बाई थ्री सी डी एल इंटू रूट जी रूट टू जी एच की पावर थ्री बाई टू यहाँ पे एच की वैल्यू हमें दे रखी है सी डी एल और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज नाइन पॉइंट एट वन तो यहां से हमने डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ओके okay. ये जो क्यू की वैल्यू है यही क्यू की वैल्यू किससे पास होगी ट्राइंगुलर वियर से भी तो क्यू की जो हमने डिस्चार्ज फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगुलर वियर होगा वो क्या होगा क्यू इज इक्व टू एट बाई फिफ्टीन सी डी टेन थीटा बाई टू रूट टू जी एच की पावर फाइव बाई टू यहाँ पर इस एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ओके तो क्यों जो हमने यहाँ से निकाला था वैल्यू क्योंकि वही हम सेम यहां पे रख देंगे ठीक है सी की वैल्यू दे रखी है राइट एंगल वियर है यानी कि थीटा की वैल्यू हमें नाइन्टी दे रखी है ओके जी की वैल्यू हमें पता है नाइन पॉइंट एट वन सारी वैल्यूज को जो हम पुट कर देंगे तो हमें एच की वैल्यू ये एच क्या है head of water from triangular weir, okay ye h ki value humne find out kar li jo ki aa rahi hai 0.3572 meter okay Next uh, हमारे पास uh, जो नोमेरिकल है वो है किससे बर्नॉलीज इक्वेशन से वाट इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर ऑफ 300 हंड्रेड एम एम एंड टू हंड्रेड एम एम एट द बॉटम एंड अपर इन रिस्पेक्टिवली द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम इंड इज ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव टू फाइव न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्रेशर एट द अपर इंड इज नाइन the एट वन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिटरमाइन द डिफरेंस इन द डेटम हेड इफ द रेट ऑफ फ्लो थ्रो पाइप इज फोर्टी लीटर सारी वैल्यूज को रख लेते हैं हमें यहां पे फाइंड आउट क्या करना है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वाटर फ्लोज थ्रू इन उपाय ओके यहां पे हमें फाइंड आउट जो भी करना है हम उसको किससे फाइंड आउट करेंगे बर्नॉलिज इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे यहां पे हमें हेड लॉस की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है ठीक है तो हम हेड लॉस की वैल्यू नहीं रखेंगे और ये मान के चलेंगे कि ये जो नुमरिकल है वो हमारा आइडियल फ्लूड के लिए है तो हमने डायमीटर की वैल्यू रख दी ठीक है डी वन पी वन यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है रेट ऑफ फ्लो हमारे पास दे रखा है फोर्टी लीटर पर सेकेंड तो यहाँ से हम डिवाइडेड बाई हंड्रेड करके इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ से हमने एरिया की वैल्यू निकाली A2 तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली ठीक है ठीके? V1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.274 मीटर पर सेकेंड बर्नॉलीज इक्वेशन को हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ डेटम हेड जब जो हमें पूछा गया है वो कैसे आएगा Z2 टू माइनस जेड वन जो सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास डेटम हेड की वैल्यू आएगी 13.70 मीटर नेक्स्ट नोमरिकल है आपका A submarine flows through horizontal in sea and hence its axis 15 meter below the surface of water a pitot tube, pitot tube properly placed just in front of submarine and along its axis connected to the water limbs of U tube containing mercury, the difference of mercury level is found to be 1 centimeter 170 mm.

तो यहाँ पे हमें किस आ, हमने जो जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है जीरो पॉइंट वन सेवन मीटर ठीक है अब एच की वैल्यू निकालेंगे एक्सक्स एच इस टू एक्स एस जी डिवाइडेड बाई एस नॉट माइनस वन एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू पॉइंट ज़ीरो एट थ्री मीटर ओके तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख लिए v इक्व टू रूट टू जी एच की वैल्यू आ रही है 6.393 मीटर पर सेकेंड ओके या फिर हम इसे किलोमीटर पर आर में भी लिख सकते हैं ओके okay. तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो नुमरिकल्स हैं यूनिट थ्री के विच इज़ फ्लूड डायनेमिक्स उसके नुमैरिकल्स हम लोगों ने डील किए हैं सोर्स फ्लो हम लोगों ने डील किया सिंक फ्लो डील किया डबलेट डील किया What is total energy line and hydraulic gradient line? Thank you so much.